जनाबे वाली, अब जो पोर्शन स्टार्ट होना है ये वो पोर्शन है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, आयनाइजेशन और यूर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एक्सेप्शंस डिस्क्रिपेंसीज की बात करने लगा हूं आप लोगों से। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस क्या है। पहले क्या मतलब एक्सेप्शंस, कोई मुश्किल काम नहीं, समझना बड़ा आसान है कि ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8th नोबल गैसेस जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखती हैं और सॉरी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखती हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैंने बोल दिया। अब आपको समझना क्या है, मैं आपको सब कुछ खोल के बताऊंगा जो कि इसके अंदर छुपी हुई गुत्थियां हैं सुलझा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो सब बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर आके बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप होने की रीज़न क्या है, फ्लॉप होने की वजह क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने लगा हूँ। एक्सेप्शंस को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ लिथियम से स्टार्ट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये है इस वक्त आप लोगों के सामने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। यहीं से बात सारी के सारी क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग यहां पे गौर से देखें तो मैं लेफ्ट टू द राइट एटॉमिक साइज को डिक्रीज करवा रहा हूं, एटॉमिक साइज डिक्रीज। अगर लेफ्ट टू द राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस दैट के आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डर क्या बनना चाहिए, फिर ऑर्डर ये बनना चाहिए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लेकिन जनाब ऑर्डर ये नहीं है, व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि जनाब यहां पे एक्सेप्शंस हैं। कैसे एक्सेप्शंस हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, आइए जरा बताता हूं। ग्रुप 2A की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 3A की निस्बत ज्यादा हो जाती है, तो एक तो ये आप लोगों ने याद रख लेना एक्सेप्शन कि सेकंड ग्रुप विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू थर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शन किसकी हुई, हमारे पास सेकंड ग्रुप। और रीजन की बात करूं तो देखें थर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और सेकेंड में हाई जो है वो हो रहा है एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी। आसान अल्फाज में बात करूं, आप लोग अगर ग्रुप टू की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वेलेंस कॉन्फ़िगरेशन बनती है NS2, यानी कि इसका आप अगर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एस ऑर्बिटल में से निकालोगे। ग्रुप थर्ड में आ जाएँ तो एस फील्ड होता है और उसके बाद पी में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है, तो थर्ड का इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है पी ऑर्बिटल में से, थर्ड का इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है पी ऑर्बिटल में से, जो कि न्यूक्लियस से दूर है, उसके लिए चाहिए होगी लो एनर्जी। और सेकंड ग्रुप का एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है जो कि नियर टू द न्यूक्लियस है, इसके लिए चाहिए होगी हाई एनर्जी, क्योंकि एस ऑर्बिटल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये एक्सेप्शन आ गई, इसका मतलब है यहां तक ऑर्डर बदल देना चाहिए लिथियम के बाद, बजाय के बोरॉन, बेरिलियम के आने के बोरॉन का कर देना चाहिए, यानी कि बेरिलियम की हाई कर देनी चाहिए एज कंपेयर टू बोरॉन। तो मैंने कौन से दो की पोजिशन चेंज की, मैंने बेरिलियम को बाद में कर दिया, बोरॉन को पहले कर दिया, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की लेस, बेरिलियम की हाई, रीजन बन रही है बेरिलियम का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन।
डन ओके। उसके बाद नेक्स्ट आगे कार्बन की, कार्बन को वैसे लिख दो, अगेन एक्सेप्शन आएगी कार्बन के बाद जब आप नाइट्रोजन के पास पहुंचेंगे। नाइट्रोजन के पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, पी जी में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल, एक स्टेबल सेट ऑफ पी ऑर्बिटल है। जबकि ऑक्सीजन को देखो, पी एक्स में दो पड़े हुए हैं, पी वाई में एक पड़ा हुआ है, पी जी में एक पड़ा हुआ है, दैट मीन्स दैट कि इसका पार्शली फिल्ड है और इसका हाफ फिल्ड है। तो ये भी फिर अगेन जेन में रख लो कि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। सो इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ यू विल सी अगेन अ डिस्क्रिपेंसी एंड यू विल ऑब्जर्व रिलेटिवली हाई आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द केस ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू सिक्स, although the size and nuclear charge of oxygen is considerable। अगर मैं आपसे कहूं साइज किसका स्मॉल है तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का, मैं कहूंगा न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट कर रही है किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी और ऑफ कोर्स साइज के ऊपर भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज। तो मैं कह देता हूं कि यहां पे आप ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन भी चेंज करो, जैसे बेरिलियम और बोरॉन की थी। उसके बाद मैं ऑक्सीजन लिखूंगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियॉन आएगा। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर फ्लोरीन की भी तो पार्शली फिल्ड है तो फ्लोरीन से ज्यादा क्यों नहीं है नाइट्रोजन। बेटे आप लोगों ने यह बात जहन में रख लेना है कि एक छोड़कर के एलिमेंट्स के पास जाएं तो यहां पे वेरी स्मॉल साइज है, वेरी हाई न्यूक्लियर चार्ज है जो डोमिनेट नहीं होने देगा किसको, कॉन्फिगरेशन को। तो कॉन्फिगरेशन डोमिनेट हमेशा तब होती है जब दो कंजेक्टिव एलिमेंट्स के दरमियान कंपेरिजन हो रहा होता है। अगर दूर के एलिमेंट्स को कंपेरिजन करने बैठ जाओगे तो वहां पे कॉन्फिग्रेशन हो सकता है डोमिनेट ना करे, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज और साइज ही डोमिनेट करेगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए। और इसके बाद मैं एंड पे इसके ग्राफ्स भी दिखाऊंगा आपको, ग्राफ्स से रिलेटेड भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अब आप लोगों ने सीख लिया कि इधर सेकंड और थर्ड और इधर फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर ये जो एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी की, ये आप लोगों ने जहन में रख लेनी होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं मैं यहां पर, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूं। सेकेंड आयोनाइजेशन वो तो ऑर्डर था करेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, अब बात करते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो कुछ ये है कि लिथियम, फिर आप लोगों के पास बोरॉन, बेरिलियम और कार्बन, ठीक हो गया बेटा। और इसी तरह आप लोगों के पास आ जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ऑर्डर भी याद रख लीजिएगा। अब फर्क क्या दोनों वाले, ये ऊपर वाला लेफ्ट टू द राइट जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये भी आपको बात बता देता हूं। और बेटा दिस वन विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि आप लेफ्ट टू द राइट आ रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। तो नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इसका भी बिल्कुल वही ऑर्डर अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं वो ऑर्डर भी बता देता हूं आपको। देखो आप लिखेंगे सर कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन और फिर नियॉन, ये तो था फर्स्ट का। सेकेंड में देखो क्या होता है। अब सेकेंड में मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मेंशन कर दूं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन मेन ये चीज़ है। इसी तरह मैं बेरिलियम और बोरॉन की भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दूं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होगा, पी एक्स में एक है, पी वाई में एक है, पी जेड खाली है। ये है नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब क्या हो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका, अब ये पार्शियली फिल्ड हो चुका है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ, इसका मतलब है पी एक्स में दो थे एक रह गया, पी वाई में भी एक है और पी जी में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद फैसला करें कि ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की जब आप लोग बात कर रहे होंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका पी वाई में से निकालना है जो कि नाइट्रोजन का पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसका पी जी से निकलेगा लेकिन इसका पूरा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड और स्टेबल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रल एटम में नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी। डन है जी। और ये बात हो रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूँगा तो मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन पॉजिटिव के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन आयन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन आ जाएगा अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था और यहाँ पे एस फील्ड था और पी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था, ठीक है बेटा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसका एस अब हाफ फील्ड हो गया है और इसका निकलने के बाद पी से निकलने के बाद एस कम्प्लीटली फील्ड हो गया। इसका मतलब है बेरिलियम पॉजिटिव और बोरॉन पॉजिटिव में से देखा जाए तो अब मैं कहूँगा बोरॉन की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि अब इसका एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है और इसका हाफ फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ फील्ड। तो बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम आयन की कम होगी, बोरॉन की ज़्यादा होगी। लेकिन फर्स्ट बोरॉन की कम थी और बेरिलियम की ज़्यादा थी, तो ये एक्सेप्शन ख़त्म हो जाती है किस केस में, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं कह देता हूँ डिस्क्रिपेंसी या एबनॉर्मैलिटी वैनिश्ड फॉर द केस ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में आपका ऑर्डर जो है वो नॉर्मल ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा इन स्पीशीज का, यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के केस में आप लोगों ने यहाँ पे बेरिलियम की जगह पे बोरॉन और बोरॉन की जगह पे बेरिलियम दोबारा से ले आना। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, समझ आई है। यहाँ पे रीजन बन रही है पार्शली फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे रीजन बन रही है हाफ फील्ड, जो प्रीवियस में भी रीजन थी पार्शली फील्ड और हाफ फील्ड की, दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब मैं आप लोगों के सामने अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिख देता हूँ तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के अंदर आप लोग पहले जो है वो लिथियम लिख दें। और अच्छा मज़े की बात बताऊं, लिथियम के केस में अगर आप ये सिचुएशन देखते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो बताऊं क्या है, 1s2 2s1 थी ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो अब देखो ये बिल्कुल हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन जैसी आ गई। मज़े की बात ये है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम एंड बोरॉन, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखते रहता हूँ, लिथियम ज़्यादा है, उसके बाद बोरॉन है, उसके बाद बेरिलियम है, ठीक है जी। ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों ने जहन में रख लेना, इन तीनों का ऑर्डर अगर आपसे कहे तो ये मैं आपको इस पूरे के पूरे पीरियड का ऑर्डर सेकंड का लिखवा दूंगा, लेकिन आगे ग्राफ में जाकर ताकि आप लोगों को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर भी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, याद रख लीजिएगा। ग्रुप फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में और सेकंड में अच्छी खासी एक्सेप्शन। आप कहेंगे सर किस में नहीं है वो भी बता दें। लो जी मैं अब कैटेगराइज कर दूं, सबसे पहले तो ग्रुप सेकंड और ग्रुप एट्थ की बात करनी है। सवाल आए आपसे एलिमेंट्स विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू और बाज़ दफ़ा ज़ीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू का टर्म यूज़ किया जाता है, क्या मतलब होगा इसका ज़ीरो का? इसका मतलब होगा जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मुकम्मल फील्ड है, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं कर सकता, तो नए आने वाला इलेक्ट्रॉन जितने रिलीज करके आएगा उसके बाद उसको कई गुना एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ऐड होने के लिए। इसी तरह नोबल गैसेस के केस में एस भी फील्ड है, पी भी फील्ड है। जब ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं तो कोई जगह नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव या जीरो किस केस में है, तो आप लोगों ने दो ग्रुप्स का नाम ले लेना है, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 8A, जो है इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है या जीरो कह लें, ये बात ध्यान में रखिए। उनको जनरली जीरो लिख दिया जाता है लेकिन क्रिटिकली देखें तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब आप कहेंगे सर बाकी ग्रुप्स में क्या चक्कर है, देखो
नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनके अंदर भी रोला पड़ता है। कैसे? इनके स्मॉल साइजेस 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन ऑटोनॉमस शेल में, इसका लार्ज साइज 1, 2, 3, 4, 5। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए दोगे और फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए दोगे तो नाइट्रोजन के केस में रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। व्हाई? नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। स्मॉल साइज और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से व्हाट विल हैपन्स? द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड। स्मॉल साइज और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड हो जाता है और उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। सेम यही केस होगा ऑक्सीजन के केस में और सल्फर के केस में। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के केस में, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के केस में। सल्फर के दूर दूर है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आओगे तो कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने को मिलेगी, कम एनर्जी रिलीज होगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इधर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 150, तो उसमें से मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि 70 जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, तो नेट जो आपको यहां पे मिल रही होगी वो मिल रही होगी 50 होगी। जी बिल्कुल, -50। तो ये रिलेटिवली कम आपको जो एनर्जी मिल रही है, इसकी वजह ये है कि ये जो 70 है ये एब्जॉर्ब हो रही है उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए। सेम इज अगेन, अभी मैं इनकी वैल्यूज भी आपको टेक्सट बुक वाली बताता हूँ। ऑक्सीजन की लो होगी एज कम्पेयर टू सल्फर, जस्ट लाइक दैट फ्लोरीन की लो होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसकी भी वही रीजन है, स्मॉल साइज और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आप लोगों ने कभी इन एक्सेप्शंस पे गौर नहीं किया होगा, तो मैं ये कह देता हूँ कि फॉस्फोरस की ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और इसी तरह ऑक्सीजन सल्फर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑल दो द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल एंड ऑक्सीजन इज स्मॉल। इसी तरह फ्लोरीन की कम होगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ये जो आप लोगों को एक्सेप्शंस पहला पहला मेंबर शो करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या रीज़न है इस एक्सेप्शन की, लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल साइज थिक क्लाउड रिपल्जन एंड डिक्रीज इन नेट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू नेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो मैंने आपको बता दी। सेकंड और एट्थ की पॉजिटिव या जीरो, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ में फर्स्ट मेंबर के स्मॉल साइज थिक क्लाउड की वजह से एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू देखी जाएंगी। लो बेटे, अब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन डिस्कस करवा दूं और फिर वो ग्राफ की मदद से भी ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। अगर आप देखें, हाइड्रोजन ने एक गेन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले एक पढ़ा हुआ था। फ्लोरीन ने एक गेन कर लिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसी तरह। अब बात हो रही है वैलेंस शेल के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की। बेटा वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो ग्रुप नंबर से पता चल जाती है। बोरॉन का ग्रुप नंबर 3rd है और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5th है। फ्लोरीन का ग्रुप नंबर जो है वो हमारे पास 7th है, और एक गेन करके वो 10 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 7th में एक और ऐड हो चुके होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होंगे यहाँ पे हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब है सिंपल सा आंसर है यहाँ पे फ्लोराइड आयन, जिसके आउटरमोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट के साथ मिलेगा। बड़ा आसान सा काम है। आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्वाइट सिंपल, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन फोर्थ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन थर्ड, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फिफ्थ। सेकेंड हायर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये, हम लोगों ने इनकरेक्ट पूछी है। थर्ड इज लोअर देन फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इज लोअर देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ इज ग्रेटर देन फिफ्थ, ये गलत ऑप्शन है। फोर्थ लो होगी, फिफ्थ हाई होगी, कंजक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इन अल्फा पार्टिकल?
अब अल्फा पार्टिकल मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के प्रीवियस में बता चुका हूँ कि हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 2 होते हैं, न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। इसका मतलब है ऐसी स्पीशीज सेलेक्ट करो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, इसमें एक था निकल चुका है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है इसका आंसर बीटा होगा। मोस्टली बच्चे डेल्टा सेलेक्ट कर देते हैं हीलियम, बट अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस कंटेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड एज वेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ सिंपल आयन विद चार्ज -3। एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है जो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने वाली हो। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है जो कि एक नॉन मेटल की हो। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने को प्रेफर करे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ये देखें, इस वक्त एलुमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पता है एलुमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 चार्ज में जाती है, एक पी का और 2 एस के। ये कॉन्फ़िगरेशन देखें अगर आप लोगों के सामने, तो ये शो हो रही है फॉस्फोरस की, एंड एज यू नो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ये इलेक्ट्रॉन 3 से 6 करके स्टेबल कॉन्फिगरेशन की तरफ जाएगा। ऑफ कोर्स बीटा ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ये देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक मेटल की कॉन्फिगरेशन है। तो ये इस वक्त ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है, और ट्रांजिशन मेटल कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होती, पॉजिटिव में होती है। अगेन यू आर हैविंग अ ट्रांजिशन मेटल विच इज अगेन शोइंग अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बड़े ये ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों ने लगानी होती हैं। तो एक फॉस्फोरस 5th ग्रुप का मेंबर ही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज करेगा। तो ये थी सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें। इस तरह के ये सारे सवाल जो आप लोगों को मैं डिस्प्ले दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में इंक्लूड करने हैं, और आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला टेस्ट में मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो गैशियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद गैशियस कैटायन बनना चाहिए, और ये ऑप्शन आपको आइसोलेटेड गैशियस एटम में मिलनी चाहिए। तो ये आइसोलेटेड गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद गैशियस कैटायन बन रहा है, आंसर बनेगा बीटा। तो मैं इस क्वेश्चन को भी पॉज दे देता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी पॉज देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के अंदर भी मिल जाएंगे। इनके राइट आंसर्स आप लोगों ने एवेल्युएट करने हैं। अब आपको कुछ ग्राफ दिखा दूँ, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ कैसा दिखेगा। आपको फौरन से क्लिक करना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं आप लोगों से बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ग्राफ्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखो, बेरिलियम की हाई, बोरॉन की कम। ये एक्सेप्शन से आप लोगों ने क्लिक करना है कि एक्सेप्शन ऑफ कोर्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और बेरिलियम और बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जीज के केस में होती हैं। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये भी आप लोगों को एक मज़ेदार बात बता दूं, यहाँ पे भी एमसीक्यू आएगा कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किनकी होती है। तो टॉप पे अगर ग्राफ से आपके देखकर पूछे कि टॉप पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो टॉप पे होंगे नोबल गैसेस। और आपसे भी पूछ सकते हैं कि बॉटम पे कौन से होंगे, तो बॉटम पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बॉटम मोस्ट पे पड़ी हुई है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जो कि आपसे मैं कह रहा था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो अल्कली मेटल्स आर एट द बॉटम, बॉटम मोस्ट, एंड नोबल गैसेस आर द टॉप मोस्ट। नोबल गैसेस टॉप मोस्ट है, अल्कली मेटल बॉटम मोस्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, अगेन वही सिनेरियो, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी का ही ग्राफ है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा इन पॉइंट से, नियोन हाईएस्ट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन के एक्सेप्शंस। अब मैं बात कर रहा था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के कंप्लीट ऑर्डर की। ये देखो, अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो मैं एट द एंड आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाइड्रोजन की कम, हीलियम की ज्यादा, और हीलियम अपनी नोबल गैस की बेस पर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी शो करी। फिर लिथियम की कम, बेरिलियम की स्लाइटली हायर एज कम्पेयर टू बोरॉन, फिर कार्बन नाइट्रोजन की बड़ी, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम, फिर फ्लोरीन और नियोन की बड़ी। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन डिस्कस करूँ, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक, तो ये फर्स्ट का ऑर्डर तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर से हाइएस्ट हीलियम इसलिए होगी क्योंकि स्मॉल साइज और नॉर्मल गैस के अंदर है। लेकिन जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आप देखें, मैंने जैसा कि कहा, लिथियम अब आयन टॉप मोस्ट पे होगा क्योंकि अब ये बिल्कुल हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, 1s2 वाली, समझे गए बात को। बेरिलियम की कम और बोरॉन की ज़्यादा, मैंने बता दिया कि बोरॉन का वैसा ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होगा। फिर उसी तरह नाइट्रोजन की कम और ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड पहले बता चुका हूँ। फिर इसी तरह फ्लोरीन की
और नियॉन की ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, और सोडियम की नियॉन से ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो नियॉन पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, कॉन्फिग्रेशन देखकर फैसला करें। 1s2, 2s2, 2p5, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। 1s2, 2s2, 2p6, कम्प्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल, और जो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ को अब आप लोगों के लिए मेन मेन जो चीज़ें थी वो समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या बोरॉन और कार्बन और स्पेशली बोरॉन और बेरिलियम का एक्सेप्शन ख़त्म हो जाता है, ये देखें बोरॉन और बेरिलियम का एक्सेप्शन ख़त्म, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक्सेप्शन भी ख़त्म, समझ रहे हो। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में याद रख लेनी है। इनको मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मैं दोबारा से यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बड़े भोले भाले से होते हैं, बोरॉन और बेरिलियम का केस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस खत्म हो जाता है फॉर द केस ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। लो जी बेटा, ये आखिर में जो ग्राफ है ये किस प्रॉपर्टी का ग्राफ है, इसको देखो। आप कहेंगे सर अभी आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया और साथ में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ाया, तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का होगा। भाई नहीं, सोचो तो सही, सोचो तो सही, सोचो तो सही, क्या ख्याल है? आप कह रहे सर ये ग्रुप 8th ए की हीलियम नज़र आ रही है, जीरो से कम वाली वैल्यू, और बेरिलियम ग्रुप 2 की नज़र आ रही। तो अभी सर आपने कहा था कि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़ीरो होती हैं या पॉजिटिव होती हैं, और इसके अलावा सर आपने नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शन शो की थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ग्राफ है, ठीक है बेटा। लो जी, एट द एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके साथ में जो वैल्यूज बता रहा था मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। अब देखो, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन्स। फिर वही बात, ऑर्डर को देखें, साइज को देखें, तो फ्लोरीन की हाइएस्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में बात करें, आपकी टेक्स्ट बुक की वैल्यूज कहती है फ्लोरीन की -322 है, क्योंकि इसने रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेनी है। क्लोरीन की -349 है, ब्रोमीन की -325 है, और आयोडीन की -295 है। तो इसका मतलब है ऑर्डर में मैक्सिमम किसकी बनेगी, क्लोरीन की बनेगी। तो ये सेलेक्ट कर लो ऑप्शन क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये ऑर्डर बनेगा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। वेट कीजिएगा जरा, लेकिन एक्चुअल कुछ और चीज है। हमारी टेक्स्ट बुक ने यहां पे ये वैल्यू थोड़ी सी फ्लोरीन की गलत लिखी हुई है। इस वैल्यू को मैं करेक्ट कैसे कर सकता हूं, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। आप लोगों को अगर ये ऑर्डर ना मिले तो ऑफ कोर्स आप इसी ऑर्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखें, इस ऑर्डर को अगर मैं कहता हूँ -322, -349, -325, इस -325 ब्रोमीन को और फ्लोरीन को देखो, तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक डेल्टा होना चाहिए, आप चार्ली क्यों कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, असल में ऑप्शन एक्चुअल चार्ली ही है, ऑप्शन एक्चुअल चार्ली ही है। कैसे बताता हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लो। इन वैल्यूज को देखो टेक्स्ट बुक की, -322, -349, -325, -295। माइनस साइन इग्नोर कर दो, ये रिलीज को शो कर रहा है, ठीक है। ज्यादा मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड को देखो, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम फ्लोरीन है, उससे कम आयोडीन। टेक्स्ट बुक के मुताबिक नो डाउट डेल्टा था, पहले मैंने चार्ली लगा दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, बट मुझे क्योंकि एक्चुअल बात याद है इसलिए मैंने चार्ली लगा दिया। एक्चुअल क्या है आइए जरा उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी देख लो, नाइट्रोजन के केस में उन्होंने नहीं लिखी हुई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिख रही है फास्फोरस के केस में -74 नज़र आ रही है ना, तो इधर यूं समझ लो सिर्फ -7 के करीब है, यानी कि इतनी लो है इसकी। ऑक्सीजन की देखे -141 है,
और इसकी -200 है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कम और सल्फर की ज़्यादा, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो यहाँ पे केसेस जो है वो एप्लीकेबल है, बाकियों के अंदर ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ, अब यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज आपको बतानी है। देखिए मैंने प्रूव रखा हुआ है सेकेंड ईयर के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू लिखी हुई है 337। ये वैल्यू भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअल जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की है वो मैं आप लोगों को कैम गाइड के डाटा से बता देता हूँ बेटा, वो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक्चुअल वैल्यूज 332, 349, 325, 295। यानी कि फ्लोरीन की वैल्यूज अक्सर जगहों पे गलत लिखी हुई है, -322 नहीं है, -332 है। तो 332 आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब इस बेस पर हाईएस्ट क्लोरीन बन रही है, मैक्स कौन बन रही है, क्लोरीन, लेकिन ऑर्डर बदल जाएगा, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फिर बोरोमीन और फिर आयोडीन। तो बेटे एक्यूरेट आंसर ये है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरफ। तो आप लोगों ने एक्चुअल वैल्यूज की बेस पर इसको सिलेक्ट करना। आप कहेंगे सर अगर हमें दोनों ऑप्शंस दी हुई है, जिस तरह यहां पे दोनों ऑप्शंस हैं, तो हम अब क्या करें। मैंने आपको प्रूफ दे दिया सेकेंड ईयर की बुक का, सेकेंड ईयर में हाई लिखी हुई है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और लेकिन सिर्फ इस टेबल के अंदर गलत वैल्यू लिखी हुई है, यहां पे 322 नहीं होना चाहिए था, इसकी मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां पे -332 होना चाहिए था। तो फ्लोरीन सेकेंड हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखने वाला होगा। तो अब आप लोगों ने आज के बाद अगर जब भी क्वेश्चन आए हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है, ये ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ये मैंने स्टैंप लगा दी है, इसको अच्छे तरीके से जेहन में रख लीजिएगा, लॉजिकली प्रूफ किया, केम गाइड के डाटा से भी प्रूफ किया है, और आपकी टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर की वैल्यू भी बताती है कि ब्रोमीन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा, और क्यों ज़्यादा ये भी बता दिया, स्मॉल साइज थिक क्लाउड इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन हो रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से रिजल्टेंट एनर्जी कम देखने को मिली। दैट्स द होल स्टोरी अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें, इस यूनिट को बेस्ट वाला टेस्ट दें। गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड अपनी कीमती आराओं से आगाह करते रहिए। आपकी जो मुझे मिलती रहती हैं मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस, आप अपनी तरफ से बड़े अलामा बाज़फा बन जाते हैं, बट यार अगर आप लोगों के पास कोई मज़ेदार चीज़ हो शेयर करने के लिए, ज़रूर शेयर करें। नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं है, नॉलेज अनबाउंडेड है, जहाँ से मिले ज्ञान उसे ले लो। और बेटे मैं भी ये कहता होता हूँ कि आई एम गुरु तो कह देता हूँ खुद को, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं गुरु हूँ। आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ ऑल द टाइम ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री rather than a teacher of chemistry. If you are a student of chemistry, you will learn something new every day, and learning process is never ending. Take care of yourself. Dher sari shubhkamnaon ke saath. Bye.